आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है ब्लॉक इज गिवन अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज इन एडिशन टू फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो देखो, इस ब्लॉक की वेलोसिटी इधर 10 मीटर पर सेकंड है और इधर एक 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक। तो आपसे रिटार्डेशन पूछा है। रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव फोर्स आपसे पूछा है, निगेटिव एक्सीलरेशन आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो होगा क्या कि जब ब्लॉक इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो रिलेटिव मोशन इस सरफेस के बीच रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगेंस्ट रिलेटिव मोशन। यानी कि अगर ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट, तो एक फोर्स इधर फ्रिक्शन का एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन। अब नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल जो होगा इसके अपवर्ड लग रहा होगा, जो इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा। नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, इसके mg को बैलेंस करेगा। तो यहाँ नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg। तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू mg। अब म्यू की वैल्यू उसने आपको 0.1 बताई है, तो 0.1 रख दो। मास जो है बॉडी का वो 10 kg है और जी है, तो यहाँ पर से एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन। तो देखो अगर आप अब FBD देखें ब्लॉक का, तो ब्लॉक में क्या हो रहा है कि इधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 न्यूटन। अब आपसे क्या पूछा उसने, एक्सीलरेशन। तो जो एक्सीलरेशन होगा ब्लॉक का, या जिसको रिटार्डेशन बोलेंगे, क्योंकि इसको रिटार्डेशन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट कर रहा है आपका फोर्स, तो एक्सीलरेशन, या इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, AR। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ नेट डिवाइडेड बाई मास। तो एफ नेट हमको कितना दिया गया, 110 न्यूटन, और आपका जो मास है ये दिया गया है 10 kg। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11 m/s², ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल था, हमें फ्रिक्शनल फोर्स पता करना था। फ्रिक्शनल फोर्स पता चल गया तो हमको कंप्लीट एफ नेट पता चल गया, और एफ नेट से हमने न्यूटन सेकेंड इक्वेशन या सेकेंड लॉ का यूज करके हमने यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।